शुरू यॉर्क की ताजपोशी से होता है, जहां वो अपनी आवाम को सुरक्षित रखने की कसम खाता है और बाद में डिक्लेयर करता है कि अब से डेथ और टॉर्चर को एंड कर दिया जाता है। कई इनोसेंट सिटीजन को जेल से छोड़ दिया जाता है और उनके घर और गाँव को लौटा दिया जाता है। सड़कों पर लोग नए राजा का आभार व्यक्त करते हुए खुशियां मना रहे होते हैं। म्योंग सीनो की कब्र के पास जाकर बोलती है, यॉर्क राजा बन गया जैसे तुम चाहते थे। यॉर्क यूंग की बातों को याद कर रहा होता है कि चेग्यून आकर उसे मारने की कोशिश करती है। जब चेग्यून ये कर नहीं पाती तो यॉर्क खुद ही उस खंजर को चुबा देता है। चेग्यून उस खंजर को फेंक देती है और पूछती है, क्या उसने उसके पेरेंट्स को मारने का ऑर्डर दिया था। यॉर्क बोलता है, चाहे वो जिसने भी किया, जिम्मेदार मैं ही हूँ, मार डालो मुझे। चेग्यून वहां से चली जाती है और यॉर्क वो खंजर छिपा देता है। फिर वो सर्वेंट सॉन्ग को बुलाकर अपने ड्रेस को जलवा देता है, क्योंकि वो चेग्यून के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। चेग्यून ने वो लकड़ी अभी तक संभाल कर रखी होती है। वो पूरी रात उसे देखते हुए बिताती है। अगली सुबह सर्वेंट सॉन्ग उसे यॉर्क के सेटअप किए हुए उसके पेरेंट्स के मेमोरियल टैबलेट के पास ले जाता है और बताता है कि यॉर्क ने उन्हें अपनी फैमिली की तरह प्रॉपर ऑनर दिया है, ना कि ट्रेटर्स की तरह, और वो वहाँ कभी भी आ सकती है जब वो उन्हें मिस करे। चेग्यून रोते हुए अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उनका सन इन लॉ माफ़ी मांगने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से यॉर्क के पास दवाई लेकर चली जाती है। वो उसके घाव पर पट्टी करने लगती है और बाद में उसे स्नेह शल पकड़ाकर बोलती है, कोई हमें फिर से अलग करना चाहता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में ही खड़ी रहूंगी। ऐसे ही मैं उनसे बदला लूंगी जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है। इसलिए तुम्हें एक अच्छा राजा बनकर हमें प्रोटेक्ट करे रखना है। आगे यॉर्क अपने दोनों दोस्तों ग्वांग और सोखी को हाई रैंकिंग पोजीशन पर नियुक्त कर देता है। वो उसके आगे फॉर्मेलिटीज दिखाते हैं तो यॉर्क ऑकवर्ड फील करते हुए उन्हें उठा देता है। फिर वो उनसे यूंग के हंटिंग ग्राउंड्स को लोगों को वापस लौटा देने को बोलता है और कहता है कि सीन और उसके पिता की कब्रों को उनके घर पर शिफ्ट कर दिया जाए। नैनी को भी कोर्ट लेडी की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है और अब से वो क्वीन पैलेस की हर चीज की इंचार्ज होंगी। यॉर्क डेप्यूटी कमांडर पार्क को बुलाकर मिनिस्ट्रेस के प्रमोशन का लेटर पढ़वाता है जिन्होंने उसके बगावत का साथ दिया था, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं होते क्योंकि उन्होंने बिना ऑर्डर के अपने अकॉर्डिंगली एक्ट किया था। डेप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं, किसी को तो ये करना ही था। अगर मिनिस्टर शेन यूंग को आगाह कर देते तो हमारा प्लान फेल हो जाता। यॉर्क बोलता है कि महल के दरवाजे बंद थे, अगर वो आप ही जाते तब भी कुछ नहीं कर पाते। वो उन्हें आखिरी मौका देने की बात करता है और डेप्यूटी कमांडर पार्क नाखुश होकर बाहर आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात चेग्यून से होती है। वो कमेंट करते हैं कि क्वीन का आउटफिट उस पर बहुत जच रहा है। फिर वो बोलते हैं, क्या उसे पता है कि यूंग और उसकी बुआ आज अपने एग्जाइल पर निकल जाएंगे। चेग्यून जवाब देती है कि वो रॉयल फैमिली की लेडी है, मतलब उसके नॉलेज के बिना महल में कुछ भी नहीं होता। डेप्यूटी कमांडर पार्क इंटेंशनली उसे क्वीन की जगह लेडी शिन बुलाते हैं और बाद में उसे गलती का नाम दे देते हैं। वो बोलते हैं कि उसे पता है ना, अगर वो यॉर्क के साथ रही तो उसके साथ क्या होगा। चेग्यून बोलती है, कम से कम मुझे इतना पता लग जाएगा कि कौन मेरे होने से नाखुश है। वो अंदर यॉर्क के पास जाकर उसे दवाई देती है। यॉर्क उससे वादा करता है कि यूंग और उसकी बुआ का वो खास ख्याल रखवाएगा। यूंग महल को आखिरी बार देखता है और अपने साथ केवल मिनिस्टर शिन के लेटर वाला बॉक्स लेकर जाने लगता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तब भी जब क्वीन आखिरी बार बाहर आकर उसके सामने सर झुकाती है, राज्यसभा में एज एक्सपेक्टेड डेप्यूटी कमांडर पार्क एक ट्रेटर की बेटी को रानी बनाने के खिलाफ होते हैं, लेकिन उनके सामने एक बुक फेंक कर बोलता है, उसे पढ़ाया गया था कि हस्बैंड वाइफ पहले आते हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन के रिलेशनशिप से, इसलिए चेग्यून पहले उसकी पत्नी है और ऊपर से वो रूल इसलिए ही कर पाया क्योंकि उसने चेग्यून से शादी की है, इसलिए वो चेग्यून को अपनी रानी बनाने का फैसला लेता है। जब वो पूछता है किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है तो सब शांत हो जाते हैं। फिर वो राजमाता के पास जाकर चेग्यून का सपोर्ट करने को बोलता है क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डाली और अपना परिवार भी खो दिया। चेग्यून और नैनी वॉक करके महल में आते हैं तो वो दो दासियों को बात करते हुए सुनते हैं कि चेग्यून पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कहीं रिवेंज ना लेना चाहती हो, इसलिए सभी मंत्री उसके रानी बनने के खिलाफ हैं। वो शांति से वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यॉर्क खुद वहां आकर चेग्यून को रानी बनाने का रॉयल ऑर्डर पड़ता है। चेग्यून खुशी खुशी उसके सामने सर झुकाकर ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और बदले में यॉर्क भी उसके सामने सर झुकाता है।
वो बोलता है, मेरी रानी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। बाकी सब लोग भी उसके आगे झुककर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। डिप्यूटी कमांडर पार्क म्योंग पर गुस्सा करते हैं कि रानी बनने का तरीका सोचने की जगह वो सीनो की कब्र पे अपना पूरा दिन बिताती है। वो सीनो से माफी मांगती है कि उसे अपने सर्वाइवल के लिए करना ही पड़ेगा। युंग को अपने सर्वेंट से मिनिस्टर शिन के बारे में पता चलता है। वो बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, उसने जानबूझकर उन्हें अपने से दूर भेज दिया था ताकि वो सेफ रह सके। कितनी बार मुझे उन्हें वापस बुलाने का मन किया था लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। वो पूछता है, क्या ये योक ने किया, तो सर्वेंट बोलता है उसे ये तो नहीं पता लेकिन उसने सुना है कि चेगिन को रानी के पद से हटाए जाने की बात करी जा रही है। उसी समय कुछ नकाबपोश लोग वहां आकर उस पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं उसे मारने के बाद वो उसकी वाइफ, फैमिली और चेगिन को भी मार डालेंगे। युंग उनसे लड़कर भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन दरअसल उन लोगों ने ही उसे पर्पसली जाने दिया था। योक चेगिन के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने आता है लेकिन कोर्ट लेडी उन्हें टोक देती है ये कहकर कि पहले डिशेस उसे चखनी पड़ेगी कि कहीं उनमें पॉइजन ना हो। आगे युंग किसी तरह मिनिस्टर शिन के घर पहुंच जाता है। वो उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को याद कर रहा होता है कि चेगिन भी वहां आ जाती है। युंग उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो चेगिन उसे देखकर शॉक हो जाती है कि युंग घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। योक महल में मिनिस्टर शिन की मेमोरियल टैबलेट के सामने वो कर रहा होता है कि सोकी आकर बताता है युंग अपने एग्जाइल के रास्ते से भाग गया। उसी समय डिप्यूटी कमांडर पार्क मिनिस्टर शिन के घर के बाहर सैनिकों को लेकर आ जाते हैं। अंदर चेगिन युंग की पट्टी करती है और पूछती है वो वहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि उस पर हमला हुआ था और कैसे उसे और उसके परिवार को मार डालने की धमकी दी गई थी। तभी उन दोनों को समझ में आता है कि ये तो एक ट्रैप है। उसी समय डिप्यूटी कमांडर पार्क की आवाज़ आती है, ट्रेटर इसी घर में छिपा हुआ है। युंग कहता है कि मिनिस्टर शिन की मौत की खबर सुनकर उसका दिमाग चलना बंद हो गया, तभी वो इस ट्रैप में फंस गया। ये सब खत्म नहीं होगा जब तक या फिर वो ना मर जाए या फिर चेगिन को डिपोज ना कर दिया जाए। चेगिन बाहर जाकर मना करती है कि उसके अलावा इस घर पे कोई नहीं है कि डिप्यूटी कमांडर पार्क उसे धमकाने लगते हैं। तभी युंग आकर चेगिन के गले में तलवार रख देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। वो अपने घोड़े के पास जाकर चेगिन को उसके साथ चलने को बोलता है ये कहकर कि डिप्यूटी कमांडर पार्क उसे मारने को नहीं बल्कि चेगिन को मारने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन चेगिन फिर भी जाने से मना कर देती है। युंग को वहां से अकेले ही जाना पड़ता है और वो जंगल में एक झोपड़ी में जाकर बेहोश हो जाता है कि कोई उसी की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ डिप्यूटी कमांडर पार्क को जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता है और वो चेगिन को जेल में बंद करवा देते हैं। वो बोलती है योक इस बात को लाइटली नहीं लेने वाला, तो वो बोलते हैं इसलिए ही वो चाहते हैं कि चेगिन खुद से ही कबूल कर दे कि उसने ट्रेटर को भागने में मदद की है, वरना वो पूरे शहर में ये फैला देंगे कि उसका और युंग का अफेयर चल रहा था। योक राजसभा में आते ही डिप्यूटी कमांडर पार्क से चेगिन को छोड़ देने की बात करता है, तो वो बोलते हैं कि पहले रानी को सबके सामने एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो वहाँ कर क्या रही थी। योक को ये पसंद नहीं आता कि उसकी पत्नी सबके सामने पेश की जाए, तो पार्क बोलता है कि हमें बस उनकी इनोसेंस के बारे में सुनना है। जब चेगिन को वहाँ लाया जाता है तो डिप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं क्या उसका युंग से मिलना केवल एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि वहां उन्हें खून से भरी हुई पट्टियां भी मिली है, इसका मतलब चेगिन ने उसका इलाज किया। क्या वो युंग के भागने में मदद कर रही थी। योक बोलता है ये सब झूठ है, तो डिप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं कि महल में यूमर्स है कि वो और युंग। योक ये सुन नहीं पाता है और अपनी तलवार निकाल देता है और बोलता है क्या वो सच में मरना चाहते हैं। बाकी मिनिस्टर्स उसके आगे झुक जाते हैं और चेगिन बोलती है ये सब सच है कि उसने ऐसा किया। वो बोलने लगती है कि ये सब उसने अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेने के लिए किया और कहती है कि कैसे उसने कभी उसे माफ़ी नहीं किया था। योक सोचता है कि रुक जाओ चेगिन, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन चेगिन बोल देती है मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए एक ही राजा था, वो कभी भी योक को अपना राजा नहीं मानेगी। योक समझ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन चेगिन अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसी समय राजमाता वहां आकर चेगिन को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि उसे इसी पल एग्जीक्यूट कर दिया जाए। सारे मिनिस्टर्स राजमाता का साथ देते हुए उसे एग्जीक्यूट करने की डिमांड करते हैं। योक खुद को बहुत बेसहारा महसूस करता है और चेगिन सोचती है यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है महाराज, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।